नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का फैसिलिटी जो लेकर आया है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसको जानते हैं और इसको समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस लोन को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग जान लेते हैं। उस कंडीशन को अगर हम जान लेंगे तो इस लोन लेने में आसानी होगा और लोन को समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग कुछ कंडीशन को जान लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है इस लोन लेने से पहले। दोस्तों, सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आपको 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है तो उसमें उस लोन को चुकाने के लिए आपके पास 15 ईयर है, यानी 15 ईयर में आपको लोन को चुकता करना पड़ेगा, यानी 15 साल के अंदर अंदर आपको उस लोन को पे कर देना होगा। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप अगर बंगाल में लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपये तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर, तो आपको कम से कम 10 साल से बंगाल में रहना होगा, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 10 साल कम से कम पुराना होना चाहिए बंगाल में। ठीक है, यानी आप 10 साल से कम से कम रह रहे होंगे बंगाल में, तब जाकर इस लोन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, तीसरा कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जो आपका उम्र है वो 40 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 40 साल से कम उम्र होना चाहिए। इससे ज़्यादा का उम्र होगा तो आप इस लोन को अवेल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें चौथा कंडीशन है कि कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं है तो फिर आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए तब जाकर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों, आपको हमने लोन में 4 कंडीशन बता दिया, इन 4 कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो फिर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन में है क्या, चलिए इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस लोन में क्या है कि आपको 10 लाख रुपये तक अगर हायर स्टडी के लिए अगर जरूरत पड़ता है, अगर आप किसी भी हायर स्टडी में पढ़ाई करना चाहते हैं 10th के बाद 12th के बाद, अगर किसी आई आई एम में या फिर कोई भी डॉक्टर का या फिर कोई भी सी ए हुआ या फिर कुछ भी हुआ, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन हुआ, किसी भी चीज़ में अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, हायर डिग्री लेना चाहते हैं और उसके लिए जो भी कॉस्ट होता है वो बियर करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, फॉरन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किसी भी दूसरे फॉरन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो खर्च होगा वो भी उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, बशर्ते कि आप बंगाल का निवासी होने चाहिए। निवासी होने का यहाँ पर मतलब बोला गया है कि 10 साल कम से कम 10 साल से आप रह रहे होंगे बंगाल में तब। ठीक है, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कंडीशन था आपको वो हमने बता दिया। और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है तो भी बता देते हैं आपको। 4% का इंटरेस्ट रेट है, यानी आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 4000 रुपया पर एनम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर 10 लाख का जो स्कीम दिया गया, इसमें जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख के लिए उससे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपका एक्सपेंस क्या है, आपका किस प्रकार का एक्सपेंस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं।